हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? देखिए, मोदी किक्स ऑफ ग्लोबल एआई समिट, तो देखते हैं क्या है। द एनुअल ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI समिट ऑफ न्यू दिल्ली भारत मंडपम ऑन ट्यूसडे विद डिस्कशन ऑन एआई लाइक सेफ्टी एंड डेवलपमेंट चैलेंजेस। ट्रस्ट ऑन एआई विल ग्रो ओनली व्हेन द रिलेटेड एथिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल एस्पेक्ट्स आर एड्रेस्ड। एआई आपका उसके ऊपर ट्रस्ट तभी ग्रो होगा जब उसके साथ उसके एथिकल, इकोनॉमिकल और सोशल एस्पेक्ट्स अगर एड्रेस किए जाएंगे। एथिकल मतलब एआई का गलत यूज़ नहीं हो रहा है, इकोनॉमिकल कि कोई भी उसको यूज़ कर सकता है, मतलब कम से कम पैसे में, ये नहीं कि बस रिच एलाइट्स के लिए अवेलेबल है। सोशल, क्या वो कोई सोशल प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहा है कि सोशल प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो ये ट्रस्ट तभी एआई पे होगा जब ये तीन चीज़ एड्रेस किए जाएंगे। नरेंद्र मोदी सेड वाइल इनॉग्रेटिंग द 3-day इवेंट, एज मेनी एज कंट्रीज फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया एंड एशिया आर पार्ट ऑफ दिस। चाइना इज नॉट अ मेंबर। द प्रीवियस समिट वॉज हेल्ड इन ओसाका, जापान। तो प्रीवियस जो समिट था वो आपका जापान में हुआ था। इन 2024 इंडिया लीड चेयर ऑफ द ग्रुपिंग, तो इंडिया इसको 2024 में लीड करेगा। मिस्टर ऑल्सो रेज अदर पर्टिनेंट इशू सराउंडिंग द इट, कैन वी स्टेब्लिश एन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म दैट इंश्योर रेजिलियंट एम्प्लॉयमेंट। क्या रेजिलियंट एम्प्लॉयमेंट, इससे कोई इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म हम लोग इस करके रेजिलियंट एम्प्लॉयमेंट इंश्योर कर सकते हैं? कैन वी ब्रिंग स्टैंडर्डाइज ग्लोबल एजुकेशन करिकुलम, क्या ऐसा कोई ग्लोबल एआई एजुकेशन करिकुलम हम लोग ला सकते हैं? कैन वी सेट स्टैंडर्ड टू पीपल फॉर एन एआई ड्रिवन फ्यूचर? एआई ड्रिवन फ्यूचर के लिए कुछ लोगों को तैयार, वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और समिट शायद इन्हीं क्वेश्चंस के अराउंड आपका रिवॉल्व कर रहे हैं। द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो इन्वोक्ड वाटर मार्किंग ऑफ द एआई एंड अपेरेंट रेफरेंस टू सजेशन दी टू सजेशन दैट इमेजरी जनरेटेड बाय द एआई एप्लीकेशन बी डिस्टिंग सच। एआई जनरेटेड इमेजेस हैव बीन यूज्ड इन इलिसिट वेज सच एज क्रिएटिंग डीप फेक्स ऑफ सेलिब्रिटीज, जैसे हमने रश्मिका मंदाना का अभी देखा था, एंड बाय फर्म्स सेव कॉस्ट बाय क्रिएटिंग फोटो रियलिस्टिक इमेजेस फॉर एडवर्टीजमेंट्स। फॉर्म यूज कर सकते हैं इसको अलग अलग, कि आप भाई हीरो हीरोइन को देना पड़े तो डीप फेक यूज कर लो, तो उनको बस एआई के यूज से उन लोग का पैसा। पर क्या वो हीरो हीरोइन के पार्ट पे सही है, आप बताइए। मिस्टर मोदी ऑल्सो टू द डेंजर ऑफ टेररिस्ट गेटिंग एक्सेस टू एआई एज वेल एज पोटेंशियल फॉर इंक्रीज साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा थेफ्ट इंसिडेंट्स। कॉल फॉर विजिबिलिटी इन टू एल्गोरिदम दैट गो इन टू क्रिएटिंग ए आई मॉडल्स। देर इज नो दैट ए आई इज ट्रांसफॉर्मेटिव बट इट इज अप टू अस टू मेक इट मोर एंड मोर ट्रांसपेरेंट। तो ये हमारे ऊपर है, ए आई को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाना। डिस्कशन थ्रू ए आई फीचर्ड ए आई पॉलिसी मेकर एंड इंडस्ट्री ऑफिशियल प्रेजेंटिंग देयर व्यू एंड एक्सपर्टीज। यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव सेड ऑन मंडे दैट इशू रिलेटेड फार्मिंग एंड हेल्थ केयर वुड बी डिस्कस्ड थोरोली एट दिस समिट। तो अब देखिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, ए आई ऐसा एक अभी इशू चल रहा है कि हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है वैसे तो ए आई, तो इसलिए हमें ए आई को एड्रेस करते रहना है। तो देखिए, सबसे पहले हमारे लिए हो जाता है ए आई इंटेलिजेंस होता क्या है, ठीक है। सेकेंड, इसके इम्प्लीकेशंस क्या है, इम्प्लीकेशंस क्या है किसके ऊपर, ह्यूमन रेस के ऊपर, ह्यूमन रेस के ऊपर। क्या ये ह्यूमन रेस के लिए गुड है या बैड है, ये हमें बिल्कुल पता होना चाहिए। पॉजिटिव पॉइंट्स हमारे इसके लिए पता होने चाहिए और नेगेटिव पॉइंट्स क्या है ये पता होना चाहिए। जैसे जैसे आगे जाएगा मैं आपको बताऊंगा क्या जो भी अपडेट आ रहा है। पर ट्रस्ट ऑन एआई कैसे होगा, एथिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल चीज़ें जब एड्रेस होंगी ट्रस्ट ऑन एआई आपका बढ़ेगा। उसके बाद से चाइना पार्ट नहीं है, जापान में हुआ था, 29 कंट्रीज है ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंडिया लीड चेयर करेगा, ठीक है। और आप देखिए मोदी जी के कुछ क्वेश्चन है, 1, 2, एआई ड्रिवन फ्यूचर कुछ कर सकते हैं, एआई एजुकेशन करिकुलम, रेजिलिएंट एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। तो ये मोदी जी के क्वेश्चन है। और इसी वे में यूज हो रहा है, डीप फेक्स क्रिएट हो रहे हैं, तो वो पैसा बचाएंगे लोगों,
तो ये चीज तो है, पर क्या वो उनके पार्ट पे एथिकल है कि आप किसी का फोटो यूज, एथिकल है? ये मुझको तो ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं आपको, देखो ऐसा हो सकता है कि एक हीरोइन है ठीक है, और उसका हम लोग अगर उसका एड में लेते हैं तो मानिए हम लोग उसको 1 CR रुपीज दे रहे हैं, रुपीज दे रहे हैं, हो सकता है डीप फेक में ऐसा बोले कि भाई आप 25 लाख पर हमें डीप फेक करने की परमिशन दे दो बस इस एड, हो सकता है पैसा कम हो जाए, कुछ एग्रीमेंट्स हो जाए, तो इनका वर्कलोड भी कम हो जाएगा और इसका एक्सपेंस भी कम हो जाएगा, हो सकता है कुछ ऐसा हो, और ऐसा होता है तो पता चलेगा। पर अगर आप बिना इनसे पूछे डीप फेक बना के और बिना उनकी परमिशन लिए अपने एड में चला रहे हो तो वो एथिकल बिल्कुल नहीं है, तो ये चीज़ हमें देखना होगा। और फीचर डीसी मेकर इंडस्ट्रियल ये सारे लोग बैठे हैं, इसमें बात भी होगी आपकी फार्मिंग और के ऊपर, अश्वनी वैष्णव जी ने ये चीज़ हमें बताई है, और ठीक है बाकी सारी बात एआई के ऊपर होगी। नो डाउट डेट एआई ट्रांस, बट इट इज़ अप टू अस टू मेक इट मोर एंड मोर ट्रांसपेरेंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, कहीं भी इसको कंक्लूजन में डाल सकते हैं। सो थैंक यू गाइज, प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स, थैंक यू।